नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत सबरंग में आप सभी प्यारे प्यारे दर्शकों का। एक सुंदर सुबह के साथ पुनः दिवस की शुरुआत हो रही है और मित्रों, इस दिवस की शुरुआत में हम एक सुंदर सा सुवाक्य आपके लिए लेकर के आते हैं। एक उड़ते हुए बलून में लिखा हुआ था कि बलून में बाहर क्या दिखाई दे रहा है उसके कारण ये नहीं उड़ रहा, लेकिन इसके अंदर क्या है उसके कारण उड़ रहा है। जीवन में हम भी कितने शिखर पर पहुंचते हैं, कितनी ऊंचाई पर पहुंचते हैं, इसमें हमारे अंदर क्या है वो ज़्यादा महत्व रखता है बनिस्पत बाहरी चीज़ों के। और सुवाक्य एक ऐसा ही श्रेष्ठ संकल्प होता है जो सचमुच हमें अंदर से बल देता है। तो आइए सुनते हैं आज के सुंदर सुवाक्य को। जो करते हैं वो इतना शोर करता है कि आप जो कहते हैं वो मेरे कान तक नहीं पहुंचता। राल्फ वाल्डो एमर्सन। साथियों, हम ऊंचे शब्द कह सकते हैं, लेकिन हम हमेशा अपने कर्मों से आंका जाएगा। दुनिया से सम्मान पाने के लिए हमें ईमानदारी की जरूरत है। अगर हमारे शब्द हमारे कार्यों से मेल नहीं खाते हैं तो लोग इसे आसानी से पहचान लेंगे। इसलिए कहा जाता है कि कर्म शब्दों से बेहतर बोलते हैं। जब हम आत्म चेतना का अभ्यास करते हैं तो हम जो सोचते हैं उसे बोलने और जो हम बोलते हैं उसे करने के लिए पर्याप्त शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, कहते हैं मुख की मिठास संबंधों को मधुर बना देती है, मीठा बना देती है, लेकिन शरीर की मिठास जीवन को उदास बना देती है। मुख की मिठास बहुत जरूरी है ताकि संबंधों में मधुरता बनी रहे, लेकिन जब शरीर में मिठास बढ़ जाती है तो वो बहुत सारी तकलीफों को जन्म देती है। जी हाँ, आपने सही समझा, मैं डायबिटीज़ की बात कर रहा हूँ। लेकिन यदि डायबिटीज़ हो भी गई है, हम कैसे इसे नियंत्रित कर सकते हैं? आपकी सेहत आपके हाथ में, आज इसी के सुंदर टिप्स लेकर आए हैं, आइए देखते हैं। ओम शांति। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। डायबिटीज बहुत ही कॉमन नाम है, जिसे हम शुगर की बीमारी भी कह देते हैं। आपने बार बार सुना होगा, अपने घर में कोई ना कोई आपका डायबिटीज का पेशेंट होगा। लगभग 10% लोगों को आज डायबिटीज है भारत में, और भारत तुरंत बहुत जल्दी ही डायबिटीज की कैपिटल बनने जा रहा है। और ये बहुत सारी बीमारियों को जन्म देता है, हार्ट की बीमारी इसमें से मुख्य है। और डायबिटीज़ का मुख्य कारण जीन्स हैं, हमारे माता पिता से हमें जो जीन्स मिलते हैं। अगर आपके फादर और मदर को डायबिटीज़ है तो आपको बहुत ही अधिक चांस है आपको डायबिटीज़ होने का। दोस्तों, जीन तो हमें माता पिता से मिलते हैं, जीन तो बीज की तरह से होते हैं, कि तो जीन को धरती चाहिए। अगर आपके मन में कड़वाहट रहती है, बिटरनेस रहती है, संबंधों की कड़वाहट मन में है, तो आपका मन वो धरती बन जाता है जिसमें डायबिटीज़ का जीन पनपता है। दोस्तों, अगर आप डायबिटीज़ आपको ना हो तो एक तो आप अपने अंदर मिठास पैदा करें, संबंधों में मिठास पैदा करें। जहाँ तक हो सके आप मीठा ना खाएं। अगर माता पिता को डायबिटीज़ है, चीनी गुड़ शक्कर ना खाएं, आलू कम से कम खाएं, चावल वाइट राइस ना खा के आप ब्राउन राइस या सिला राइस यूज़ करें। ज़्यादा मात्रा में फाइबर को यूज़ करें, जैसे सॉल्युबल फाइबर फलों के रूप में और इनसॉल्युबल फाइबर आप वेजिटेबल सलाद के रूप में और अंकुरित मूंग मेथी और दलिया के रूप में यूज़ करें। और आपको डायबिटीज़ का शुगर का लेवल क्या होना चाहिए? नॉर्मली फास्टिंग लेवल जो है हमारा 90 से लेकर 70 से लेकर के और 106 के बीच में रहना चाहिए, और खाने के बाद वाला शुगर लेवल 140 के नीचे रहना चाहिए। 3 महीने का शुगर कंट्रोल आपका 6 से नीचे होना चाहिए। अगर आपको डायबिटीज़ हो गई है और आप दवाइयाँ ले रहे हैं तो उसमें मुख्य रोल डाइट का है। भोजन आप प्रॉपर ढंग से समय पर खाएंगे, चबा चबा के खाएंगे, जो आपको डाइट चार्ट दिया जाता है डायबिटीज़ का उसको एक्यूरेटली फॉलो करेंगे। रात का डिनर 7 बजे के पहले ले लेंगे, 6 से 7 के बीच डिनर कर लें और रात को सिर्फ थोड़ा सा खाएंगे तो आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल में रहेगी। इसमें आपका लेवल खाने से पहले 110 के नीचे चाहिए और खाने के बाद 140 से 160 के बीच में चाहिए।
तीन महीने का शुगर कंट्रोल 7% से नीचे 7% से चाहिए, इससे कि आपका आपको भविष्य में आपके हार्ट, किडनी, आंखें और ब्रेन की नसें और आपकी नर्व्स पेरिफेरल न्यूरोपैथी नहीं होगी और आप एक स्वस्थ और खुशनुमा जीवन बिता पाएंगे। ओम शांति। तो मित्रों, आपका मन और मुख तो मीठा हो लेकिन तन की मिठास नियंत्रित रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आइए आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर, जहां आप जानते हैं प्रोफेसर राजीव शर्मा हमारे लिए बहुत छोटी छोटी लेकिन काम की बात लेकर आते हैं, जो गुदगुदाते हुए अंदाज में अपनी सुंदर बात को हम तक पहुंचाते हैं। आइए देखते हैं कि आज वो हमारे लिए अपने पिटारे से क्या लेकर आए हैं, जरा उन्हें भी सुनते हैं। सभी देखने सुनने वालों को प्रोफेसर राजीव शर्मा का सादर नमस्कार। भर्तृहरि ने एक बड़ी प्यारी किताब लिखी है, वैराग्य शतक। वैराग्य शतक में भर्तृहरि लिखते हैं, भोगे न भुक्ता वयमेव भुक्ता, कालो न याति वयमेव याता, तपो न तप्तम वयमेव तप्ता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। यानी भोगों को हम नहीं भोगते, भोग ही हमें भोगते हैं। जैसे पहले हम शराब को पीते हैं, बाद में शराब हमें पीने लगती है। हम समय को नष्ट नहीं करते, समय ही हमें नष्ट करता है। हम आग को नहीं जलाते, अग्नि ही हमें जलाती है। और तृष्णाएं यानी इच्छाएं कभी बूढ़ी नहीं होती, मनुष्य ही बूढ़ा हो जाता है। नमस्कार। मित्रों कहते हैं, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। हमारी जन्मभूमि तो सचमुच स्वर्ग से बढ़कर है, जहां हर कोई जन्म लेने की कामना करता है। और ये हमारा भाग्य है कि इस पुण्य भूमि में हमने जन्म प्राप्त किया है। और इस पुण्य भूमि, अपनी जन्मभूमि के ही अलग अलग क्षेत्रों के हम प्रतिदिन दर्शन करते हैं। आइए आज आपको लिए चलते हैं उगते हुए सूरज की भूमि पर। जी हाँ, आपने सही पहचाना, अरुणाचल प्रदेश, जहाँ हर दिन उत्सव होता है और जहाँ की पहाड़ियाँ, सुरम्य वादियाँ बरबस ही सबको अपनी ओर आकर्षित करती हैं। आइए चलते हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश एक खूबसूरत राज्य, जिसे भारत का फिनलैंड भी कहा जाता है। यहाँ बर्फीली चोटियों के साथ खूबसूरत फूलों से महकते मैदान है। भारत में सबसे पहले सूर्योदय यहीं होता है। भारत की सबसे बड़ी मॉनेस्ट्री ट्वांग मॉनेस्ट्री भी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ट्वांग मॉनेस्ट्री यह भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ है। अरुणाचल प्रदेश में बसे इस ट्वांग मॉनेस्ट्री को नॉर्थ ईस्ट का स्वर्ग कहा जाता है। ट्वांग का अर्थ है द ब्लेसिंग ऑफ हॉर्स। माना जाता है कि पांचवें दलाई लामा के शिष्य मेराग लामा के घोड़े ने इस जगह को खोजा था। यह एक ऐसी जगह है जहां हम अध्यात्म की एक अलग ही दुनिया में खो सकते हैं। क्या आपको पता है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश के लोगों का स्वभाव बहुत ही हेल्पफुल और फ्रेंडली होता है। वहीं पूरी दुनिया इनकी मेहमान नवाजी की प्रशंसा करती है। दोस्तों, यहाँ के बौद्धिस्ट लोगों का मुख्य त्यौहार है लूसर। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश के सबसे प्रमुख मंदिरों में से एक है गोल्डन पैंगोडा, जो बर्मीज वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। वहीं इस राज्य में अध्यात्म की रोशनी पहुंचाने का कार्य ब्रह्म कुमारी संस्था द्वारा कुशलतापूर्वक किया जा रहा है। तो ये थे दोस्तों अरुणाचल राज्य से जुड़े कुछ अनूठे पहलू। स्पिरिचुअल इंडिया में भारत के अलग अलग खंडों के दर्शन करके सचमुच मन गदगद हो जाता है। भारतवर्ष, जिसे सारा संसार अपना आध्यात्मिक गुरु मानता है, इसे पुनः उसी श्रेष्ठ पद पर पहुंचाने का सुंदर और श्रेष्ठ सेवा कार्य ब्रह्मा कुमारीज कर रही हैं।
पीस न्यूज हाइलाइट्स में हम प्रतिदिन देखते हैं कि किस प्रकार ये सेवा कार्य चल रहा है। आइए आज भी देखते हैं। शिक्षा में मूल्यों की समावेशता कितनी अहम है, इस विषय को लेकर महाराष्ट्र के लातूर सेवा केंद्र पर प्राइमरी स्कूल टीचर्स के लिए स्नेह मिलन का आयोजन किया गया। मानवता में आ रही भारी गिरावट ये संकेत दे रही है कि लोगों में मानवीय और आध्यात्मिक मूल्यों का लगातार शरण हो रहा है। अगर इसकी रोकथाम करनी है तो हमें इसकी मूल इकाई पर कार्य करना होगा, मतलब बच्चों में प्राइमरी शिक्षा से ही मानवीय और आध्यात्मिक मूल्यों का पौधारोपण करना होगा। इसी का एक प्रयास देखने को मिला महाराष्ट्र के लातूर सेवा केंद्र पर, जहां प्राइमरी टीचर्स को इस बात की गंभीरता समझाने के लिए स्नेह मिलन का आयोजन किया गया, जिसमें लातूर सेवा केंद्र प्रभारी पी के नंदा ने भविष्य के भारत की सुंदर संकल्पना करते हुए सभा में मौजूद सभी से बहुत ही सुंदर आग्रह किया। निवेदन करती हूँ, जैसे आज हमारे बीच में अमदार भाई साहब बैठे हुए हैं, अगर ये इंटरेस्ट दिखाएंगे तो मराठवाड़ा में ये जागृति स्कूल कॉलेजों में ला सकते हैं। और हम महीने जा करके जिनका वैल्यू एजुकेशन कोर्स हुआ है, जैसे सुषमा बहन अभी फ्री हो गए, तो वैल्यू एजुकेशन देने के लिए स्कूलों में जा सकते हैं, फ्री हम उनको सेवा दे सकते हैं। तो कई स्कूल कॉलेजों में से गुजरात आदि की तरफ ये सब शुरू हो गया है, तो यहाँ भी अगर आप करेंगे तो विद्या का क्षेत्र सचमुच पवित्र क्षेत्र बन जाएगा। माउंट आबूला खरबजा पण एकदा तरी प्रत्येकाने गेलं पाहिजे, सहलीला पण इतर ठिकाणी जातो तसं माउंट आबूला जरूर जाऊ, म्हणजे खऱ्या अर्थानं प्रसन्नता आपल्याला बघायची असेल। शेवटी आपला सगळा शोध कशासाठी चालला कि मनाला शांती पाहिजे। ऐसा मुझे विश्वास है कि यदि मैं इस संस्था को जुड़ित नहीं रहती तो मैं भी पद प्रतिष्ठा और पैसा के पीछे पड़ती थी, ऐसा भी मुझे लगता है, क्योंकि इस संस्था का उद्देश्य है मूल्य संवर्धन, चारित्र्य उत्थान, युवाओं को सही दिशा देना। तो इस संस्था का भी मुझे अपने अध्यापन कार्य में बहुत ही उपयोग हुआ। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में अमृत महोत्सव के अंतर्गत किसानों के सम्मान में ग्राम खेरखेड़ी में आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ राजगढ़ जिला प्रभारी बी के मधु समेत कई उपसेवा केंद्रों के प्रभारी बी के बहनों ने दीप जलाकर किया। किसानों के लिए आयोजित इस कार्यक्रम में चर्चा के लिए विषय रहा संस्कार परिवर्तन द्वारा सशक्त किसान और समृद्धि खेती, जिसकी अध्यक्षता करते हुए बी के मधु और बी के भाग्य लक्ष्मी ने अपने विचार व्यक्त किए। जब हम अच्छे संस्कारों को भी बार बार अपने अंदर लाते हैं, व कोई अच्छी आदतों को हम जीवन में अपने अंदर लेकर आते हैं, तो वो भी हमारा एक मोटा संस्कार बनता जाता है। इसके पश्चात पूरे गांव में जागरूकता रैली भी निकाली गई, जिसमें कई लोगों ने जुड़कर ग्राम वासियों को राज्यों द्वारा संस्कार परिवर्तन करने के लिए जागरूक किया। मित्रों, आइसबर्ग का केवल 10% भाग पानी के बाहर होता है और शेष 90% जो उसका भाग है वो पानी के अंदर होता है। जीवन में भी हम जिस पे ज़्यादा फोकस करते हैं वो स्किल्स हैं, नॉलेज है, या फिर अन्य अपनी योग्यताओं को बढ़ाने पर हम ध्यान देते हैं, लेकिन जो 90% पोर्शन है हमारी अंदर के विचार, हमारी एटीट्यूड, उस पर हम कितना कार्य करते हैं। शुरुआत भी मैंने यहीं से की थी कि हमारे अंदर क्या है वही हमें शिखर पर ले जाता है। हमारे अंदर के विचार, हमारा दृष्टिकोण कैसा है, सचमुच वही जीवन को निखारता है और वही हमें शिखर की ओर ले चलता है। तो बाह्य अपनी विशेषताओं को बढ़ाने के साथ साथ क्यों ना इन आंतरिक बातों पर भी हम अवश्य आज ध्यान दें। उन पर भी ध्यान देंगे तो जीवन सचमुच निखरता चलेगा, हम शिखर की ओर सफलतापूर्वक आगे बढ़ते चलेंगे, और यही सब रंग की मंगल कामना है। अपना ख्याल रखिएगा, कल पुनः आप सबसे मुलाकात होगी। नमस्कार, ओम शांति।